नमस्कार, मैं नीरजा कुररिया नीरजा किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे चने की दाल की बफौरी। तो चने की दाल की बफौरी मैंने ये तड़का लगा के भूना है, आप इनको उबाला हुआ भी खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप मिक्स दाल से भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे चने की दाल का बनाया है, एक वेरिएशन बताया है, आप अपने हिसाब से और भी वेरिएशन इसके कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्स दालें ले लीजिए, उनको भिगो के उनसे भी इसको बना सकते हैं। वैसे स्वाद में सभी अच्छी लगती हैं, तो आज हम चने की दाल की बना कर देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमने चने की दाल ली है 250 ग्राम, इसको हमने रात भर पानी में भिगा दिया है और सुबह इसका हमने पानी निकाल दिया है। अब हमने एक बड़े भगोने में पानी उबलने के लिए रख दिया है, तब तक हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे और पानी को उबलने देंगे। सबसे पहले हम दाल को लेके मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाना है, बहुत ज़्यादा हमको गीली दाल नहीं पीसना है, थोड़ी दरदरी सी दाल को पीसना है, एकदम चिकनी दाल हमको नहीं पीसना है। सारी दाल हम इस तरह से पीस के तैयार कर लेंगे। अब हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे। और हरी धनिया को हमने काट के रख लिया है, हमें जो जो इसके लिए तैयारी चाहिए है वो हमने सब तैयारी करके रख ली है। और साथ में खाने के लिए हमने तैयार की है टमाटर की चटनी। तो सबसे पहले हम दाल में अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसको मिला लीजिए। मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें मिलाया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट, और हरी धनिया मिला दीजिए और नमक मिला दीजिए। आप इसमें चाहें तो भुने हुए जीरा भी इसमें मिला सकते हैं। स्वाद के हिसाब से जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इनमें बदलाव कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दाल को गीला नहीं होने देना है, दाल थोड़ी टाइट ही रखिए, बहुत ज़्यादा गीली दाल नहीं रखना, कि पानी अलग रहे और दाल अलग रहे, इस टाइप से नहीं करना है। थोड़ी सी गाढ़ी दाल रहना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने पानी उबलने रखा था, जो वो पानी उबल के तैयार हो गया है। तो अब हमको बफौरी बनाना है, तो बफौरी हम इस पानी में उबालेंगे। तो आप चाहें तो इस भगोने के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बांध के उस पर बना सकते हैं बफौरी, या फिर इस तरह से एक छन्नी ले लीजिए, या फिर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी इसको बना सकते हैं। तो छन्नी पर हमने तेल लगा लिया है और इसमें हम छोटी छोटी, जैसे बरी तोड़ते हैं इस टाइप से, दाल की छोटी छोटी बफौरी बना के इसमें रख देंगे। आप चाहें तो भगोने के ऊपर कपड़ा बांध लीजिए और कपड़े के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी बरी टाइप की ऐसी तोड़ के हमको डाल देना है, और इनको फिर हम रख देंगे उबलने के लिए। यानी ये स्टीम में पकेंगी, नीचे से पानी उबलेगा, ऊपर से हम इस छन्नी के ऊपर ढक्कन ढाँक देंगे तो जो पानी की भाप निकलेगी उससे ये हमारी सारी बफौरी पक जाएंगी। तो ये हमने सारी तैयार कर ली हैं। अब इस जाली को हम रख देंगे भगोने के ऊपर। पानी हमको इतना लेना है कि छन्नी को टच ना करे, है ना। तो पानी इतना रहना है, थोड़ा ही पानी रखिएगा। देखिए बड़ा भगोना है मगर पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, करीब 2 या 2 गिलास या 3 गिलास पानी होगा। और छन्नी को हमने इसके अंदर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को अच्छे से लगाना है ताकि कहीं से भी हमारी जो भाप बन रही है अंदर वो बाहर ना निकल पाए, सारी भाप इसके अंदर ही रहे और जो हमारी दाल के जो हमने बफौरी बनाई है वो अच्छे से पक जाएं। अगर अभी भी कहीं से भाप निकलती है बाहर तो आप इसके ऊपर कोई वज़न रख सकते हैं ढक्कन के ऊपर। 10 मिनट इसको मीडियम आँच पर हम पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इन बफौरियों को चेक कर लेंगे। एक टूथपिक डाल के आप चेक करिए, अच्छे से देखिए पक गई होंगी, तो टूथपिक बिल्कुल गीली नहीं रहेगी, एकदम साफ निकलेगी। अभी ये गरम गरम है तो निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको 2 मिनट इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप ठंडा होने के लिए, उसके बाद इनको निकालिए, तो बहुत आराम से ये ईजीली निकल जाएंगी। कुछ एक निकलने में थोड़ी सी गर्म है अभी तो दिक्कत करेगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो ये आराम से निकल जाती हैं ये बफौरी। तो इनको आप बस ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कीजिए और खाइए।
नहीं तो फिर इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और यदि डीप फ्राई नहीं करना है तो फिर इनको आप जैसे हम ढोकले फ्राई करते हैं, जैसे बघार लगा के जीरा राई और मीठी नीम का बघार लगा के ढोकले फ्राई करते हैं, उस तरह से भी इनको आप फ्राई कर लीजिए और हल्का सा क्रिस्पी हो जाए बस, फिर इनको निकाल कर रख लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी डिश है, आप नाश्ते में या पार्टी वगैरह में इस तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। और जब ये सब बन के तैयार हो जाए तो इस तरह से एक कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए, तेल गरम हो जाए तो इसमें राई जीरा और मीठी नीम की पत्ती हमको डाल देना है। जैसे ढोकले के लिए हम बघार तैयार करते उसी तरह से हमने जीरा राई और मीठी नीम डाल दिया है। जब राई चटक जाए और मीठी नीम अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें अपनी सारी बफौरियाँ डाल देंगे इस तरह से। इन बफौरियों को इस तरह से हम अब धीमी आंच में इनको भून लेंगे, तो थोड़ी देर में ढक ढक के इनको थोड़ा चला के फिर ढाक के इस तरह से हम इनको भून लेंगे। जब इनमें हल्का गुलाबी सा कलर आ जाएगा और ये अच्छी सिक जाएंगी तब इनको हम सर्व करेंगे। तो आपके यहाँ पे यदि पार्टी है कुछ है तो आप इस तरह से भी इनको तैयार करके रख सकते हैं, और जब मेहमान आए तो उस समय आप इनको हल्का सा सेंक के और गर्मा गर्म आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बफौरी बन के तैयार हो गई है, देखिए कितना सुंदर इनमें सुनहरा कलर आया है, गोल्डन कलर आ गया है, और अब ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो हम इनको सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ और टमाटर की चटनी के साथ। आपको जैसे भी इनको सर्व करना है आपकी मर्जी है, आप इनको अचार के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और अगर इस तरह से फ्राई नहीं करना है तो आप बॉईल भी इनको खा सकते हैं, अंदर से ये बहुत अच्छे से पक जाती हैं और बहुत हल्की होती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी रहती हैं। देखिए एक मैं खा के बताती हूँ आपको, इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब है, इनका स्वाद बहुत ही टेस्टी है। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप भी बनाकर देखिए चने की दाल की बफौरी। अगर चने की दाल की नहीं बनाना है तो आप मिक्स दालें भी लेके उसको बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगले बार फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए नीरजास किचन। थैंक यू।